हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर JKSSB। दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया से होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है कंप्यूटर सेक्शन का हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सेक्शन जो है उसमें एक टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आज हम स्टडी करेंगे हार्डवेयर को, नेक्स्ट वीडियो हमारा टारगेट करेगा सॉफ्टवेयर को। तो हमारा आज का जो सेशन है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कंप्यूटर को अभी समझा नहीं है, जब कंप्यूटर उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है उसके बारे में पहले स्टडी कर लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होनी बहुत ज़रूरी है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज़ द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशंस एंड अदर डिवाइसेस। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वो पार्ट होता है, वो फिजिकल एस्पेक्ट है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक कंप्यूटर है, वो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उसकी, जैसे आपकी पहली नज़र जाती है कंप्यूटर स्क्रीन पे जिसको हम मॉनिटर कहते हैं, ठीक है, वो क्या है? इसका हार्डवेयर आता है। ठीक है, CPU क्या है? हार्डवेयर है। माउस क्या है? हार्डवेयर है। कीबोर्ड क्या है? हार्डवेयर है। कंप्यूटर के जो स्पीकर्स होते हैं म्यूज़िक सिस्टम के, वो हार्डवेयर है। प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर है। तो इस तरह से जो भी डिवाइसेस, ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर में इनबिल्ट हो, जो भी हम अपने से ऐड कर रहे हैं, जो भी हम डिवाइसेस उसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में हम खुद से जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी डिवाइसेस भी क्या आ जाती हैं? हार्डवेयर में आ जाती हैं। पर उसकी जो मेन कंडीशन यही है कि जिन वो चीज़ें जिनको हम अपनी आँखों से देख सकें, हाथों से टच कर सकें, वो आपका आ जाता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि आपको अभी समझ आ चुका होगा कि हार्डवेयर क्या होता है। अब इसमें बोला है उसने, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द कंप्यूटर प्रॉपर बट आल्सो द केबल्स, कनेक्टर्स, पावर सप्लाई यूनिट एंड पेरिफेरियल डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, ऑडियो स्पीकर्स एंड प्रिंटर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ वो जो सब कंप्यूटर प्रॉपर आपका बनता है जिस सिस्टम से, सिर्फ वही नहीं आता, इसमें केबल्स आ जाती हैं। ठीक है, इसमें कनेक्टर्स आ जाते हैं, पावर सप्लाई यूनिट, छोटी छोटी जो केबल्स जो कंप्यूटर में यूज़ होती हैं वो भी आपका हार्डवेयर का ही पार्ट होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, जो बसेस होती हैं जिनको हम बस कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, वो सारा का सारा क्या आ जाता है? हार्डवेयर में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कि टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, जो हार्डवेयर है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, पहला आ जाता है इंटरनल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर माने तो वो वाला सिस्टम, वो वाला कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के अंदर हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होते हैं। ठीक, इंटरनल हार्डवेयर इज आल्सो कॉल्ड कंपोनेंट्स, इनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, और ये मोस्टली कंप्यूटर सिस्टम के जैसे कीबोर्ड के अंदर ही, सॉरी CPU के अंदर ही मिलेंगे आपको। ठीक है, अब इसमें आ जाता है CPU, मदरबोर्ड, रैम, रोम। ठीक है, पहले आ जाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड आ जाती है, फिर आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। अब इसको हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम CPU कहते हैं, अब ये जो CPU है ये क्या होता है? CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ध्यान रखना है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोला जाता है? CPU को, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और इसका जो मेन टास्क है वो क्या है? इसका मेन टास्क होता है कैलकुलेशन करना विद इन द कंप्यूटर। जो कभी हम कंप्यूटर कर यूज़ कर रहे होते हैं उसमें जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी की सारी कौन करता है? वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज़ CPU ही करता है। ठीक है, अब इसके दो टिपिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं इसके CPU के, जिसको हम बोलते हैं ALU, दैट इज़ अर्थमेटिक लॉजिकल
लॉजिकल यूनिट, और सेकंड है हमारा CU कंट्रोल यूनिट। ALU क्या करता है, जितने भी लॉजिकल और रीजनिंग के काम होते हैं वो ALU करता है, और कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि सारे कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है ये। ठीक है, ये आ जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर। तो ये याद रखना है, मदरबोर्ड क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है किसका, माइक्रो कंप्यूटर का। ठीक है, जितने भी आपके पास सेल फोन्स हैं, आपके पास लैपटॉप्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, उनके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, और इस प्रकार का होता है, अगर आपने कभी CPU को खोल के देखा होगा तो। ठीक है, इस तरह का होता है, इसको मदरबोर्ड कहते हैं। और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, मेन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, इसमें होता है CPU, मेमोरी, रैम, रोम इसमें मिल जाएगा आपको, एक्सपेंशन स्लॉट्स जो होते हैं, जैसे हम USB कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, वो जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं वो भी इसी में मिलेंगे इसके साथ, एंड ऑल दी कंट्रोलर्स रिक्वायर्ड टू कंट्रोल स्टैंडर्ड हार्डवेयर डिवाइसेस। तो बाकी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उन सभी को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका मदरबोर्ड। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है मेमोरी, अब रैम। ठीक है, तो रैम जो होती है इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या होती है, रैम इज द प्लेस इन कंप्यूटर वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड डाटा इन करंट यूज आर कैप्ट। तो रैम क्या होता है, रैम आपको पता है, रैम जो होती है हमारी, एक होती है परमानेंट मेमोरी, एक होती है टेम्पररी मेमोरी। तो रैम जो होती है टेम्पररी मेमोरी होती है, तो जो भी हम हमारे जो कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो भी है, ये कहाँ पे करंट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ पे, मतलब अपने आप इनका जो यूज़ है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है रैम में। ठीक है, इस तरह की होती है ये रैम, इस तरह की चिप्स होती हैं। ठीक है, ये जो CPU में आपको देखने को मिलेंगी, ये टेम्पररी मेमोरी है, इट कैन बी कंपेयर टू पर्सन शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इसको हम किसी इंसान की शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब जैसे आप क्या करते हो, कंप्यूटर ऑन करोगे, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक आपकी मेमोरी है, सेव है रैम, जैसे ही शट डाउन हुआ, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ, आपका जो भी रैम था वो सारी की सारी मेमोरी उड़ गई है, वो ख़त्म हो गई अब। ठीक है, वो अब चली जाएगी, फिर से आप उसको दोबारा से रिट्रीव नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको बोलते हैं रैम। इसकी जो मेमोरी, इसलिए बोला जाता है इसको टेम्पररी मेमोरी, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो मेमोरी है, याद रखने की क्षमता है, ऐसे बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, वो तब तक है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है, तब जब तक उसको पावर सप्लाई मिल रही है तब तक ऑन है, तब तक इसमें रैम है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हुआ, आपका जितना भी डाटा था, जो भी रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी है, इट इज़ ए टेक्नोलॉजी दैट अलो यू टू राइट डाटा ओनली वंस आफ्टर द डाटा हैज़ बीन रिटर्न, यू कैन रीड इट अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, बट फिर से इसको आप लिख नहीं पाओगे। तो फिर से समझ लेते हैं इसको, रीड ओनली मेमोरी जिसको हम रोम बोलते हैं, ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें जो डाटा एक सेव होता है, इसने बोला ना कि इसमें आप यू राइट, यू इट अलोज यू टू राइट डाटा ओनली वंस, आप इसमें एक ही बारी में डाटा फीड करते हो, एक बारी में जो डाटा आपने इसमें डाल दिया वही डाटा अब परमानेंटली इसमें रहता है, मतलब कि जो भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर में एक बार आपने डाल दिए इसमें रोम में, ठीक है, अभी तो इसकी भी डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, आपने इसमें एक बारी जो डाटा डाल दिया फिर वो वही का वही रहेगा, आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, बट आप उसको इरेज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक बार सेव हो जाती हैं वो अब दोबारा से उनको हम डिलीट नहीं कर सकते, उनको हम दोबारा से एडिट नहीं कर सकते उसमें, ठीक है, उसको अब हम अपनी मर्जी से अब दोबारा से चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको रैंडम, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, मतलब कि हमने एक बार जो इंस्ट्रक्शन डाली है आप उसको रीड कर सकते हो, सिर्फ रीड ही कर पाओगे। फिर आ जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट हार्डवेयर। ठीक है, इनपुट हार्डवेयर क्या होते हैं, देखो
इनपुट हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस बाय विच वी गिव इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। कॉमन इनपुट हार्डवेयर आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तो इनपुट हार्डवेयर वो वाले डिवाइसेस होते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। वो वाले डिवाइसेस एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के साथ नहीं होते, इनको हम खुद ऐड करते हैं कंप्यूटर के साथ, इनको हम खुद लगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी, जैसे कीबोर्ड आप अलग से इसको जोड़ते हो कंप्यूटर के साथ, माउस अलग से जोड़ते हो, स्कैनर अलग से जोड़ते हो, ठीक है। तो ये वो डिवाइसेस होती हैं जिनको हम कंप्यूटर के साथ खुद जोड़ते हैं और इनका जो मेन टास्क होता है वो यही होता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना। तो इसलिए इनको हार्डवेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं, इनको हम आंखों से देख सकते हैं और हाथों से टच कर सकते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इनपुट हार्डवेयर, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसको स्टडी कर लेते हैं फिर से थोड़ा थोड़ा। पहले नंबर पे आ जाता है कीबोर्ड, ठीक है। तो कीबोर्ड क्या होता है आप सब जानते हो, हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। कीबोर्ड जो होता है इसका जो मेन टास्क होता है वो यही होता है टू गिव द कमांड या टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना, इसमें कीज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कीज़ होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, फंक्शनल कीज़ होती हैं, ठीक है ना, शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया, ठीक है ना, बार स्पेस हो गया। तो अलग अलग कीज़ होती हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो इसका जो मेन टास्क है वो यही होता है टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है माउस। तो माउस क्योंकि एक इनपुट डिवाइस है तो इसलिए इसका मेन जो टास्क होगा, जो प्राइमरी टास्क इसका क्या है, इसका भी यही है टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। माउस इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं, है ना, जिसकी मदद से हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये भी इनपुट डिवाइस है, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। तो हम स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करते हैं इसकी मदद से। तो फिर नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर हमने पहले भी स्टडी किया था। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर एक ऐसी डिवाइस होती है दैट कैन रीड टेक्स्ट और इलस्ट्रेशंस प्रिंटेड ऑन पेपर एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म द कंप्यूटर कैन यूज। भाई आपके पास एक पड़ी है फोटो, फोटोग्राफ है, आप स्कैनर में उसको डालते हो और स्कैन करते हो, और वो जो फोटो था पहले वो क्या था, पहले वो पेपर की शेप में था, है ना। तो अब वो किस शेप में बन जाएगा, अब जब आप उसको कंप्यूटर में डालोगे तो वो डिजिटल फॉर्म में बन जाएगा। तो स्कैनर क्या करता है, वो जो टेक्स्ट है, जो फोटोग्राफ है, जो पेपर है, उसको आपकी उसको कौन सी शेप में ले आता है, उसको उसको ले आता है ये डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको स्कैनर बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए, ये इनपुट डिवाइस है, इससे हम यही करते हैं कि जो हमारे पास टेक्स्ट होते हैं, फोटोग्राफ होते हैं, प्रिंटेड पेपर होते हैं, उसको हम डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा, फिर नेक्स्ट है आउटपुट हार्डवेयर। अब कुछ हार्डवेयर सिस्टम वैसे होंगे जिनका काम क्या होगा, आउटपुट देना, तो वो स्टडी कर लेते हैं। सेम इसमें है, यही है कि आउटपुट हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर्स सीपीयू टू द कंप्यूटर यूज़र। भाई कंप्यूटर सीपीयू से कंप्यूटर यूज़र को जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है वो काम कौन करता है, वो करता है आउटपुट हार्डवेयर सिस्टम, ठीक है। अच्छा मतलब यूज़र को रिजल्ट कौन देगा, आउटपुट डिवाइसेस देंगी। तो इसने बोला है ये वो वाली डिवाइसेस हैं, कुछ इसमें इंटरनल आ जाती हैं, कुछ एक्सटर्नल आ जाती हैं, जिनका मेन काम यही होता है कि कंप्यूटर सीपीयू से डाटा लेके कंप्यूटर यूज़र को देना। तो इसमें कंप्यूटर आउटपुट हार्डवेयर जो होते हैं वो उसमें कौन कौन आ जाता है, मोनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। हार्डवेयर इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन डिवाइसेस को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं
और हाथों से टच कर सकते हैं, इसलिए इनको हार्डवेयर बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट। अब मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है? देखो, मॉनिटर ए डिस्प्ले स्क्रीन यूज्ड टू प्रिवेंट आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर वीडियो कैमरा VCR और अदर वीडियो जनरेशन। भाई मॉनिटर क्या होता है? जैसे आपको पता है कि आपका जो मेन सिस्टम है उसमें जो सबसे बड़ी, जो सबसे कंप्यूटर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमें सबसे सब पहले दिख जाता है, वो क्या होता है? मॉनिटर, जिसको हम स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया स्क्रीन, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉनिटर। अच्छा, तो मॉनिटर हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। जैसे आप कोई वीडियो प्ले करते हो तो वो आपको वहाँ पे दिख जाएगी, मॉनिटर में आपको वीडियो प्ले होती दिखेगी। आप कोई ओपन करते हो, कोई प्रोग्राम ओपन करते हो, वहाँ दिखेगा। आपने क्या किया, कोई पिक्चर, कोई फोटोग्राफ ओपन किया, वो आपको मॉनिटर में दिखेगा। तो इसलिए इसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये हार्डवेयर है तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये आउटपुट हार्डवेयर कंपोनेंट। नेक्स्ट है प्रिंटर। अब प्रिंटर जो है, ये तो मोस्टली पता ही है सबको कि एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हमें रिजल्ट मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेपर। ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपीज। तो हार्ड कॉपी के रूप में हमें हमारा रिजल्ट मिलता है, प्रिंट करके देता है ये हमें। ठीक है, जो ग्राफिक्स होते हैं, जो आउटपुट होती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो क्योंकि ये हार्डवेयर है, इनको हम टच कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, तो इसलिए ये बन जाएगा प्रिंटर। ठीक है, प्रिंट हार्डवेयर सिस्टम, आउटपुट डिवाइस बन जाएगा, आउटपुट हार्डवेयर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा स्पीकर्स। भाई स्पीकर या फिर हेडफोन जो होते हैं वो आउटपुट देते हैं, वो हमें क्या सुनाते हैं, सॉन्ग सुनाते हैं या कोई ऑडियो सुनाते हैं, जो हम सुनना चाहें। ठीक है, तो इसलिए ये भी आउटपुट डिवाइस है, और ये क्योंकि इनको हम टच कर सकते हैं तो इसलिए ये भी बन जाता है हार्डवेयर सिस्टम। ठीक है, फिर नेक्स्ट कनेक्टिंग हार्डवेयर। अब कनेक्टिंग हार्डवेयर में क्या आ जाता है? कनेक्टिंग डिवाइस एलो हार्डवेयर सिस्टम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कनेक्टिंग डिवाइस वो होते हैं जो हार्डवेयर को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, और वो कौन से होते हैं? एक होता है मॉडम, दूसरा होता है लैन कार्ड। ठीक है, इनको ध्यान रख लेना है। ये क्या है, ये क्या है, मॉडम और लैन कार्ड क्या है? कनेक्टिंग हार्डवेयर है। कनेक्टिंग मतलब ये अलो करते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने में, हेल्प करते हैं उनको। ठीक है, जैसे मॉडम है तो मॉडम के बारे में स्टडी कर लेते हैं। मॉडम क्या होता है? मॉडम्स कनेक्ट ए पर्सनल और पोर्टेबल कंप्यूटर टू डायल अप नेटवर्क्स थ्रू ए रेगुलर टेलीफोन लाइन। भाई मॉडम क्या होता है? टेलीफोन लाइन के साथ कंप्यूटर को, ठीक है, कंप्यूटर को इंटरनेट यूज़ करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं मॉडम। ठीक है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी कि विद दी हेल्प ऑफ रेगुलर टेलीफोन लाइन, उनकी मदद से, नेटवर्क की हेल्प से कंप्यूटर को मदद करता है इंटरनेट वगैरह यूज़ करने में। ठीक है, फिर आ जाता है लैन कार्ड। लैन मतलब, लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, इज़ यूज टू प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस टू कंप्यूटर यूजर्स इन होम और रोमिंग नेटवर्क। तो लैन क्या होता है? एक वायरलेस इंटरनेट है। ठीक है, लैन क्या करता है? वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, जैसे कि आप घर में यूज़ कर सकते हो, या कहीं बाहर आप रोमिंग में हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिस इसमें आ जाता है जैसे वाईफाई वगैरह हो गया, है ना। तो वाईफाई, एक इंसान, आपने कोई एक डिवाइस से ऑन करते हो और सेकंड जो जो साथ वाला है तो वो उसको यूज़ कर सकता है। इसलिए लोकल एरिया बोला जाता है इसको, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो लिमिटेड एरिया तक होती है। ठीक है, अब स्टोरेज हार्डवेयर आ जाएगा। अब हार्डवेयर को उसने स्टोरेज में भी बताया है कि स्टोरेज करने के लिए जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनमें क्या क्या हैं। ठीक है, स्टोरेज हार्डवेयर पहला आ जाता है। स्टोरेज हार्डवेयर, ए कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर दैट स्टोर डाटा। भाई स्टोरेज हार्डवेयर वो डिवाइस होगी जो क्या करेगी, डाटा को स्टोर करेगी। सम कंपोनेंट्स, सम कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर, और कुछ इसमें से कुछ कॉमन डिवाइसेस जो हैं वो क्या है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया। तो ये आ जाती हैं आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं सारी, हार्डवेयर, फ्लॉपी डिस्क,
सीडी रोम, ठीक है। ये क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और इनको हार्डवेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको हम टच कर सकते हैं। अब इसको बारी बारी से देख लेते हैं सबको। पहले आ जाता है हार्डवेयर डिस्क। तो अब ये हार्डवेयर डिस्क इस प्रकार से होती है, ये चीज़ आप पहले इसको ग्राफिक्स में देख लो कि किस प्रकार की होती है। हार्डवेयर डिस्क क्या होती है, ये मैग्नेटिक डिस्क, अब ये भी चीज़ ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच यू कैन स्टोर कंप्यूटर डाटा, द टर्म हार्ड इज यूज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ए सॉफ्ट और फ्लॉपी डिस्क। तो इसको हम सॉफ्ट या फ्लॉपी डिस्क से अलग करने के लिए हम इसको हार्ड डिस्क करके बोलते हैं, और इसका जो मेन काम है वो क्या है, टू स्टोर द कंप्यूटर डाटा। तो इसमें हम कंप्यूटर डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इस प्रकार की होती है, ए फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल एंड कवर्ड बाय ए प्रोटेक्टिव जैकेट यूज्ड प्राइमरली बाय कंप्यूटर्स टू स्टोर डाटा मैग्नेटिकली, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क भी क्या है, इसमें अभी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में, इसमें भी हम कंप्यूटर का डाटा जो होता है वो सेव करते हैं, वो स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क होती है, इसको कोटिंग किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल द्वारा, और इसको हम कवर करके रखते हैं एक प्रोटेक्टिव जैकेट में, ठीक है। तो इसको यूज़ किस लिए किया जाता है, टू स्टोर डाटा मैग्नेटिकली, ठीक है। फिर आ जाता है सीडी रोम। सीडी रोम इस प्रकार का होता है। अच्छा, तो इस सीडी रोम क्या होता है, ए सीडी रोम इज सीडी दैट कैन बी रीड बाय ए कंप्यूटर विद एन ऑप्टिकल ड्राइव। तो सीडी रोम क्या होता है, एक ऐसी एक सीडी होती है जो कि कंप्यूटर रीड कर सकता है विद एन ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव मतलब कि मतलब विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, स्टडी फॉर JKSSB अगर आप सर्च करते हो तो आपको वहाँ पे हमारा चैनल मिल जाएगा। बाकी वो चैनल जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, आपको क्विज़ मिल जाएगा वहाँ पे, डेली करंट अफेयर मिल जाएंगे, बाकी और भी इन्फॉर्मेशन जो है आपको डे टू डे लाइफ में मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल में आ जाओगे, विजिट करते हो तो आपको हम डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस जो है मिल जाएंगी, जो कि मेन टारगेट करते हुए हमने बनाई हैं JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक वीडियो का, हर एक चीज़ का लिंक मिल जाएगा, चाहे वो टेलीग्राम ऐप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम ऐप हो, चाहे वो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो किसी वीडियो का प्लेलिस्ट हो। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।